अनेक वर्ष पूर्व एक फिल्मी जगत में फिल्म आई थी पूरा दृश्य, उसमें एक गाना गाया गया था मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं उसके गीत गाता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। उस गाने के अंदर ना वो वैज्ञानिक था ना वो विद्वान था, पर एक सरल हृदय था, सच्चा इंसान था। उसने जब ये कहा हम वो भारत हैं जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया, जीरो दिया, हम वो भारत हैं जिन्होंने दुनिया को दशमलव दिया, तब से लेकर आज तक उस लिखने वाले और गाने वाले से किसी ने प्रमाण नहीं पूछा, इसका प्रमाण नहीं। मैंने इसलिए इस बात को कहा है कि सत्य में अपना इतना अधिक शक्ति होती है, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसको आग्रह की जरूरत होती है। इसलिए हम बड़ी जल्दी से अल्ट्रा लेफ्ट और अल्ट्रा वेस्ट के और सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट के शिकार हो जाते हैं और प्रमाण ढूंढना शुरू करते हैं। आज का ये कार्यक्रम अगर एक श्रृंखला में सोचो तो बड़ा अद्वितीय है। 12 जनवरी पूरे विश्व ने विवेकानंद जयंती युवा दिवस के रूप में मनाया, धर्मों से, जातियों से, भाषाओं से, दलों से और सभ्यताओं से ऊपर उठकर मनाया। 13 जनवरी लोहड़ी थी, प्रेम सद्भाव भाईचारे का त्योहार। खिचड़ी है तो घुल मिल कर रही है, गुड़ तेल है तो अलग नहीं किए जा सकते, इसका त्योहार। संक्रांति पोंगल का आगाज हुआ 14 जनवरी को, इस बार के महाकुंभ की भी शुरुआत। 15 जनवरी को 500 वर्ष से जो भारत और विश्व के अंदर एक बड़ा संकट था, जो राम खुदा रूप भी है, ईश्वर रूप भी है, वाहेगुरु रूप भी है, अल्लाह रूप भी है, परमेश्वर रूप भी था, है और रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इस सत्य को बदल नहीं सकती। और उस समस्या का समाधान हुआ असंभव से संभव, उसके लिए धन संग्रह का व्यापक अभियान शुरू हुआ। 16 जनवरी कलयुग के 5122 वर्ष में जब चीन ने बायो वेपन मानव जाति के विरुद्ध मेड इन चाइना मेड बाय चाइनीज कोरोना COVID-19 तैयार किया और मानव जाति पर उसको हमलावर किया, करोड़ों करोड़ संक्रमित हुए, लाखों लाख से करोड़ों मौत के घाट उतारे, पर उस कोरोना ने दुनिया में एक सच को स्थापित कर दिया, अगर दानवीय देश है तो चीन है, भोगवादी है तो यूरोप अमेरिका है, और अगर मानवतावाद का कोई प्रतीक है तो भारत है। उस बायो वेपन से लड़ने के लिए कई प्रयत्न हुए, दुनिया लड़ रही थी, और उस बायो वेपन का सफलतापूर्वक प्रतिकार करने का काम वैक्सीन दो प्रकार की भारत में जन्मी और उसका टीकाकरण प्रारंभ हुआ। इसलिए मैंने कल के दिन पर बोलते हुए कहा था कि यह दिन मानव जाति की रक्षा दिवस के रूप में विश्व मनाएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं। घटना छोटी होगी मालूम नहीं है, संसार में कहां गया ओम उस पुस्तक का लोकार्पण हम 17 जनवरी को कर रहे हैं। सीक्वेंस अच्छा है,
तो मैंने एक व्याख्या कर दी। इसलिए 7 दिन के पखवाड़े में से 6 दिन का पखवाड़ा तो पता हो गया जो विश्व के लिए स्मरणीय रहेगा, कम से कम मैं और आपको याद रखेंगे। और हमारे कारण लाखों और करोड़ों के स्मरण में है और उनके कारण हमारे भी स्मरण में रहेगा। इट इज कोइंसिडेंस, क्योंकि मेरे पास जब आए थे तो 12 जनवरी की तिथि मांगने के लिए आए थे। उपस्थित मंच और सामने बैठे हुए भाई और बहनों, 12 जनवरी को मेरे 4 वेबिनार थे, एक यंग इंडिया का, चारों स्वामी विवेकानंद पर थोड़ी, एक पूरे उत्तराखंड और हिमालयन महाविद्यालयों के छात्रों के उद्बोधन, एक नेपाल और भारत के जो नागरिक हैं नेपाली उनके उद्बोधन में, और एक मुसलमानों का कार्यक्रम था विवेकानंद के ऊपर, उसमें मैंने एक घटना सुनाई थी। और घटना ये सुनाई थी, जब आदमी अहंकार में ना हो, क्रोध में ना हो, जलदबाजी में ना हो, ईर्ष्या में ना हो, द्वेष में ना हो, तो कितना सुंदर विवेक जागता है। भारत इसका एक प्रारूप है। अमेरिका के दिग्विजय प्रवास में जब स्वामी जी अमेरिका में ही थे तो एक महिला आई, उसने आकर उस घर में स्वामी जी के सामने एक प्रस्ताव रखा, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ अमेरिका एंड यूरोप, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे जो संतान होगी वो दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट इंटेलिजेंट होगी तुम्हारे समान। तो स्वामी जी मुस्कुराए और बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जिससे दुनिया को भारत समझने में दिक्कत नहीं हुई, मुझे और आपको भी गलत भटकने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, आई कॉल यू एंड सिस्टर, सिस्टर इट इज इजी क्वेश्चन और इट हैज डेफिनेट एंड इजी आंसर। उन्होंने कहा कि आई कॉल यू सिस्टर, नाउ विल कॉल यू मदर, अडॉप्ट मी एज योर सन, योर डिजायर इज मेरे जैसा पुत्र तुम्हें प्राप्त हो, इसलिए मैं तुम्हारा ऐसे पुत्र हूँ और तुम मेरी माँ हो। इसलिए सनातन संस्कृति के प्रभाव में अनेक असंभव प्रश्नों के उत्तर हैं, थे और रहेंगे, पर अपने को अपने ऊपर नियंत्रण करने की आदत है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इम्पॉसिबल, पर हम अपने विवेक को उन्माद में नहीं जाने। ओम ये आदमी के शरीर मन बुद्धि और आत्मा के उन्माद पर नियंत्रण करने का सर्वाधिक और सर्वोत्तम मार्ग है, उसको ओम कहा जाता है। मैंने जन 1966 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए प्रवेश लिया था, तो रैगिंग में मेरे से एक प्रश्न पूछा था, गो टू द मार्केट एंड परचेज द 5 yard ऑफ द मिल, 5 गज दूध खरीद कर लाए। कुछ बैठे हैं जिन्होंने इसका उत्तर सुना होगा। हमें लगा कि सीनियर जो थोड़े मेंटल तो नहीं हो गए, 5 किलो कह दें, 5 लीटर कह दें तो ले आएंगे, 5 गज दूध तो सुना नहीं है तो लाएंगे कहाँ से। तो कहते हैं बहुत से जावे रहे, मैंने कहा बर्तन दे दीजिए हम ले आएंगे, बर्तन की जरूरत नहीं, तो एक हेल्पलाइन मिल गई। हमने कहा इस समय तो रात के 12-1 बज रहे हैं, अभी दूध कहाँ मिलेगा, उन्होंने कहा इसकी भी जरूरत नहीं। तो हमें लगा कि ये फिर अनोखा ही उत्तर होगा, हम ले आए और कहा ऐसे ही खा लिया, दे लीजिए 5 गज दूध।
वो दे आर मोर इंटेलिजेंट टू अस क्योंकि हमसे सीनियर. तो उन्होंने कहा कि ये 5 गज दूर हमने मान लिया पर तुम लाए कैसे, हमने बोला फंस गए थे. हमने सोचा था यही सवाल जवाब खत्म हो जाएगा, जाके सोने के 12 बज के ऊपर हो गए, अगले दिन कभी नहीं जाने. तो हमने जो कहानी घड़ी, हमने कहा कि ये हमारा बर्तन है भाई, या तुम अपने बर्तन में मान लो दूध है 1 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम कुछ भी, और हमारे बर्तन से छुओ उसको 1 गज ऊपर ले जाकर पलट दो. Call it 1 year, do it 5 times, you will be a tiger. ओम ईश्वर आपको एक प्रतिध्वनि देता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन यू विल ट्रेवल फॉर योर लाइफ एज ए सिंगल मैन और इन ए सोसाइटी विद फैमिली और विदाउट फैमिली. आप समूह में एक व्यक्ति के रूप में जब ट्रेवल करेंगे तो आपके सामने हर समय दो परिवेश रहेंगे, एक सरल होगा एक बहुत कठिन होगा. सरल देखकर लगता है इम्पॉसिबल ये कर लेंगे, और कठिन देखकर हाथ पैर बोलते हैं कि ये नहीं होगा. जब कठिन देखकर ये लगता है ये नहीं होगा, तो यहाँ आकर हर आदमी की जिंदगी में, पढ़ाई में, व्यापार में, नौकरी में, परिवार संचालन में, राजनीति में, धर्म नीति, समाज नीति, रत्नीति, सब तरह के आचरण में हमेशा ये दो प्रश्न खड़े मिलेंगे, एक चुनौतियों भरा, संकट भरा, कठिन, और एक सरल. दोस्तों जो सरल प्रश्नों के उत्तर देते हैं वो जिंदगी में सदा पास होते हैं, पर जो अपने आप को कठिन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार करते हैं वो जिंदगी में हमेशा मेरिटोरियस होते हैं. ओम में वो अंतर्गत शक्ति है जो आपको जिंदगी के कठिन दौरों को कैसे और उनका मुकाबला करना है इसकी शक्ति बताता है. आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी भाषा के हैं, किसी भी भूगोल के हैं, किसी भी सभ्यता के हैं, उसको इससे तो लेना देना क्योंकि वो सर्वव्यापी. कौन सा कण है, कौन सा जन है जिसमें वो नहीं है, तो जब सब जगह है तो वो जाति से, मजहब से, दल से, भाषा से, भूगोल से और समय से परे. जब समय की गिनती नहीं थी तब भी वो था, जब गिनती शुरू हुई तब भी वो है, जब गिनती बंद हो जाएगी तो वो रहेगा. तो इसलिए निष्ठा रखिए तो आप भी जिंदगी में मेरिटोरियस हो सकते. इसलिए मैं जब कॉलेजों में बोलने जाता हूँ तो उनको शिक्षा के नाम पर, समाज में बोलने जाता हूँ उनको कहता हूँ, नेवर प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इजी क्वेश्चन, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द टफेस्ट, तो डेफिनेटली यू विल बी मेरिटोरियस. ओम में अंतर्गत वो शक्ति है दोस्तों, रियलाइज करके देखिए, इन प्रैक्टिस पूछने की जरूरत क्या है तो आपको ध्यान में आ जाए. मैं सन 1983 से 2000 तक जम्मू कश्मीर रहा, आतंकवाद का सुपर टाइम था. 3 बार आतंकवादियों ने अपहरण करने की कोशिश की, फेल हो गए. शायद नालायक हो, अगर वो लायक होते तो मैं आपके फील्ड में नहीं होता, ये दो कर में रिफॉर्म करता है दुनिया जानती. तो इसलिए टफेस्ट पीरियड के अंदर जो रोना सिखाता वो दानव होता है और भोगवाद होता है, और टफेस्ट रियर में जो मुकाबला करके मुस्कुरा कर आपको जीत की तरफ बढ़ा देता है उसको ओम कहते हैं. ये चीजों की अंतर्गत शक्तियां हैं, और ये अंतर्गत शक्तियां जो हैं इनका मूल्यांकन करना कोई सरल नहीं होता. और फिर पश्चिम हमें इनका मूल्यांकन करना सिखाएगा, ये तो बहुत कठिन काम है क्योंकि अनुभूति की. आज पूरे विश्व के अंदर एक सुंदरता देखिए, सब ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड देखिए. अगर दुनिया के अंदर किसी जाति, किसी मजहब, किसी सभ्यता,
किसी दल का और किसी भी प्रकार के परंपराओं का व्यक्ति है, अगर उसको ईश्वर को जानना है, गॉड को, अल्लाह को, खुदा को, परमेश्वर को, तारक को जानना है और उसकी अद्वितीयता को से साक्षात्कार करना, तो आपने आज तक सुना दुनिया के अंदर कि उस आदमी ने कहा चलो इंग्लैंड के, अमेरिका के, रूस के, चीन के, जर्मनी के, जापान के, अरब के, तुर्किस्तान के, इटली के, ब्राजील के, पेरिस के, कनाडा के वनों में चलते हैं या पहाड़ों पर चलते हैं? मुझे सुना ऐसा, कभी पढ़ा कभी? अगर किसी के भी दुनिया के आदमी के मन में आया ऑलमाइटी से कुछ संपर्क साधना है, आज तक लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास साक्षी है, वर्तमान भी साक्षी है और इसी समय भी साक्षी है, वो सब जब भी चले तो वो भारत में ही आए, भारत के वनों में ही आए और भारत के हिमालय में। अब ये मैंने और आपने तो बनाया नहीं, जिसने बनाया उससे पूछ लेना, अब उससे पूछना तो वहां जाना पड़ेगा या फिर वो ताकत पैदा करनी पड़ेगी कि पूछ सके और बोलना। परंतु भारत ये था, ये है और ये रहेगा, दुनिया की कौन शक्ति है जो इस सत्य को बदलेगी? गड़बड़ी हो गई है कि मुझे और आपको पहचानने में संकट खड़ा हो गया। कुछ लोग 2 अरब वर्ष पूर्व कहते हैं, कुछ 4-5 अरब तक कहते हैं, जब दुनिया में केवल प्रकाश था, इसके अतिरिक्त तत्व था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था और उसके अंदर एक ही नाद था जिसको ओम कहते हैं, यही ध्वनि गूंजती थी। अब इसको सार शरीर आना, साकार आना निराकार से, तो इसलिए उसमें से उसने तीर की रचना की। सनातन में उसको ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जो रचना जो पालनहार है, ब्रह्मा जो उत्पादक है और महेश जो उद्धारक है। बी केयरफुल, अभी एक ने बोल दिया इसलिए मैंने कहा सोचा सावधानी, जो ये कहते हैं शिव संधारक है, उसने शिव को और विश्व को समझेंगे, ये संधारक बनाया पश्चिम ने, मौलिक रूप से वो उद्धार है। इसलिए ईश्वर के बारे में माना गया वो किसी को दंड नहीं देते, वो उद्धार करते हैं, और जो कहते हैं वो दंड देते हैं वो कोई हेडमास्टर और थानेदार थोड़ी है जो दंड देते हैं, प्रभु उद्धार करते हैं। रावण का राम ने उद्धार किया था, उनको मृत्यु दंड नहीं, कंस का उद्धार किया था कृष्ण ने, कृष्ण ने कंस को मारा था, ये तो मैं और आप अज्ञानवश बोलते हैं, अपने अज्ञान को ज्ञान बनाकर शेखे बगाड़ने की जरूरत नहीं है, उसको ठीक कर लेना। इसलिए एक रचनाकार है, एक पालनहार है, एक उद्धारक है, दंड देना ये नहीं। उनके पास शब्द नहीं थे इसलिए बेचारों ने डिस्ट्रॉयर बना दिया। अब उनकी बुद्धि को हम श्रद्धांजलि इसलिए नहीं दे सकते जीवित हैं, आकर इसलिए नहीं करते क्योंकि असत्य है, तो इसलिए उनको गाली देने के बजाय अच्छा है कि उनको ठीक से समझा दिया जाए, नहीं भाई है तो झगड़ा नहीं होगा, उसको समझना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा। और इसलिए जब सृष्टि का जन्म होने की प्रक्रिया शुरू हुई तो धरती आ गई, बाकी का तो थे, धरती जल में थी ले आए। अब धरती तो कोड़ी धरती थी, उसको फुल ऑफ मिनरल्स किया गया, यानी उसको ऊर्जावान किया गया। जो ऊर्जावान हो गई तो टेस्ट होना चाहिए, तो इसलिए अगला स्टेप आया, और अगला स्टेप क्या था तो उस पर वनस्पति,
जल के भी थे, वायु के भी थे, धरती के भी थे, खाद्यान्न भी थे, औषधि भी थे, सब तरह की वनस्पति। और उसके लिए कृष्ण कृष्ण था ही नहीं, क्योंकि मानव ही नहीं था। तो वो स्वावलंबी थी, वो स्वयं से बीज थी, स्वयं से वो वृक्ष थी, वनस्पति आ गई। जब वनस्पति आ गई तो सोचा कि तो जीव जंतु भेजे जाए, तो जल के, वायु के और धरती के चर पैदा किए, जीव जंतु पैदा किए। जब ये जीने लगे और सह अस्तित्व में रहने लगे, तब ओम को लगा, यानी ब्रह्मा विष्णु को लगा, मानव की रचना की जा सकती है, सर्वाइवल ऑफ द मैन कैन बी। और इसलिए दुनिया का समय सारणी इस बात को बोलती है, 1,96,00,000 वर्ष पूर्व और मनुष्य की उत्पत्ति की, लगा कि अब मनुष्य इसमें रह सकेगा। जैसे ही मनुष्य आया और उसको जीव जंतुओं का, वनस्पति का संसर्ग मिला, ऊर्जा का संसर्ग मिला, तो उसने खुशी प्रकट की। और उस खुशी का जो प्रथम शब्द निकला, जो मानव से था, वो मां था। और जो ईश्वर से प्रथम शब्द था, वह ओम था। इसलिए ईश्वरीय प्रथम नाद इस ब्रह्मांड का ओम है, और मानव का प्रथम नाद जो है वो मां है। इसलिए दुनिया के अंदर मां का वर्णन बहुत आनंददायक है, नारी के रूप में। जहां नारी की इज्जत होती है, वहां देवताओं का भरोसा होता है, इंसान राक्षस नहीं। अंग्रेजी में किसी ने कहा, वुमेन इज कल्चर, कल्चर इज वुमेन। वैसे भी बड़ी सुंदर स्तुति है सब, बेटी जन्म लेती है, हर आदमी कहता है लक्ष्मी आई, और जिस दिन बेटी को विदा करके दूसरे घर भेजते हैं, उस घर वाले कहते हैं ये भाग्य लक्ष्मी। इसलिए बेटी के लिए दो ही शब्द थे, जन्मी तो लक्ष्मी थी, दूसरे घर में गई तो भाग्य। अब कब से उसको बहुत समझने लगे, आदमी में कब निकाल रहा है, ये तो सभ्यता का असभ्यताकरण होता है। इसलिए दीज आर द टू सुप्रीम। इसलिए ईश्वरीय शक्ति जो निराकार है, जिसके साकार रूप व्यक्त भी है, अव्यक्त रूप भी है, तो उनका ओम है जिससे सारा संचालन होता है, वो नियंता है। और मानव जाति का नियंता जो है, वह मां है। इसलिए सब दुर्गुणों से रक्षा करनी है, तो बेटी आने पर खुशी मनाना शुरू। मैं कुंभ के मेले पर कुरुक्षेत्र हरिद्वार गया था, अकस्मात कुछ संदेश आए, हम चले, 13 को स्नान किया, 14 को स्नान किया, वहां निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी को होना था, तो उनका कार्यक्रम। तो जब उस कार्यक्रम में थे, एक बड़ा विचित्र प्रसंग उठा, यहाँ कह रहे थे, अब जितने भी ईश्वर रूप हैं और उनके पैगंबर हैं, नबी हैं, दूत हैं, देवता हैं, देव देवियां हैं, या बड़े बड़े संत महात्मा, आजकल आदमी में विकार आता है तो वो सोचता है कि मेरे विकार को अपने महापुरुष में डाल दो तो मेरी हिफाजत हो जाएगी। एक बड़ा विचित्र सा फैशन चल रहा है दुनिया में, और ये आदमी को किस विनाश के गढ़े में ले जा रहा है और कहाँ ले जाकर फेंकेगा, उसको समझ नहीं है। इसलिए एक बात का प्रस्ताव करना चाहिए, किसी देवी देवता ईश्वरीय कथन नाम पर, किसी भी पीर पैगंबर पर, किसी भी अद्भुत पर, अवतार पर, और किसी भी बड़े महापुरुष पर, और किसी भी संत पर कोई जातिवाचक संस्था नहीं बनेगी। तू यादव है लिखता है, यादव श्रोमणी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कृष्ण देवता, ये यादव यादव कब से कर दिया। मीरा मीरा थे, मीरा सिंह का पुस्तक है। परशुराम परशुराम थे, वो शर्मा कब से हो। ये तो मानव मात्र नहीं, सृष्टि मात्र।
मात्र के लिए जगत के पालनहार लोग थे, इनका ना जात से लेना था, ना मजहब से लेना था, ना भाषा से लेना था, तो वो भारत लोग थे। और इसलिए आज ओम पुस्तक के लोकार्पण पर इस बात को अब एक मूवमेंट के रूप में चलाएंगे, ताकि भारत और विश्व को एक वर्ग संघर्ष से सुरक्षित किया जा सके। नेक समय पर नेक संकल्प करना चाहिए, तभी उसका लाभ। समय नेक है, कार्य नेक है, और संकल्प कुछ भी ना हो तो ऐसे वेस्टेज ऑफ टाइम के लिए इकट्ठे होने का तो फल नहीं। और अभी तो कोविड ने, उस महामारी ने, मानव जाति के विरुद्ध ने हम सबको वेरिनार सिस्टम दे दिया, तो हम भी 5 जगह बैठते हैं यहाँ, 150, 200, 250 इकट्ठा करने की बजाय 2 लाख 10 लाख के अंदर और कॉन्फ्रेंसिंग से सूच संदेश दे सकते थे। मैंने अभी ईद मिलन पर दुनिया के 22 मुस्लिम देशों को और 7 लाख मुसलमानों को एड्रेस किए ईद पर, भारत का संदेश होगा ईव ऑफ ईद, तो 10-20 लाख को भी कर सकते थे, कोई कठिन नहीं। परंतु कार्यक्रम इसलिए किया कि एक सत्संग, इसलिए 12 को ये मानने आए थे, 12 की दिनचर्या मेरे लिए बैठ नहीं रही थी। अब मैंने कहा कि 17 को संभावना बन सकती है, 2 कार्यक्रम है, मैं 1 का कार्यक्रम का घंटा पहले करूँगा, दूसरे वाले को घंटा लेट करूँगा, और ये समय आप कर लीजिए। तो ये सुयोग बन गया, बना इसलिए नहीं कि हमने बनाया, प्रभु ने रचा हुआ था, हमने फॉलो किया, इसलिए ये तय हो गया सहयोग से, और हम सब यहां एकत्रित हो। इसलिए पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को एक रूप देखने के लिए निराकार और साकार ओम है, और पूरे मानव और जो जीव जगत है, जो जीवमान जगत है, उसको देखने के लिए एकमात्र रास्ता मां है। इसकी श्रेष्ठता क्या है? ओम के आकार में साकार ने निर्णय दिया, हे मनुष्य मेरे संसार में तू आएगा तो वहां तो स्वर्ग नरक है। वो दुनिया में किसी को मालूम नहीं है था, क्योंकि वहां का कोई और ऑर्डर ही कुछ नहीं, वहां तो सब आत्मा रूप है, इसलिए कोई ड्रेस नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई खाद्यान्न वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है, आत्मा रूप है। इसलिए वो 800 करोड़ आत्माएं हो गई है इंसान के रूप में, तो वो रह लेते होंगे एक कमरे के अंदर, कहीं भी भगवान जी को रख लेते होंगे, वहां से चलती है। तो इस संसार में आने के लिए डिसिप्लिन फॉर टेकिंग ए बर्थ, यह एक ही रखा है कि वह नारी की कोख में और गोद में आएगा, तभी वो इस संसार में आएगा, चाहे वो कुत्ता हो, गधा हो, घोड़ा हो, वो भी मादा में आएगा और फिर बाहर है। और मैं और आप भी कुछ भी होंगे तो हम भी नारी के कोख या गोद से आएंगे। और जब हम पुरुषों ने प्रभु से प्रश्न किया कि इसका उत्तर तो दोगे, आप भी कभी आओगे कि नहीं? मैं भी आऊंगा कभी तो, आप जरूर पढ़ने, नहीं तो मैं अपने दूत पैगंबर भेजता हूं। तो कहते हैं कि वो कैसे आएंगे, मुझे वो भी नारी से ही आएंगे, और नारी के सर्वोत्तम रूप को मां कहा, इसलिए जो माता नहीं और मातृभूमि का नहीं, वो दुनिया में किसी का सगा नहीं हो सकता। जो ओम का नहीं वो मानवतावादी नहीं हो सकता, जो मां का नहीं वो किसी का नहीं। इसलिए डिसिप्लिन इज सो क्लियर इन द वर्ल्ड, और उस डिसिप्लिन को मानकर चलने से सब रास्ते निकलते। और ये समझाना कोई कठिन नहीं है, मैंने पिछले 16-17 साल में 20-25 लाख मुसलमानों से संवाद किया है, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर असम मणिपुर तक, और एक 20 से 25 मुस्लिम देशों के
डिप्लोमेट से, पॉलिटिशियन से, अर्थ के या सत्ता के लोगों से, धार्मिक लोगों से मैंने डायलॉग किया। मैंने हजारों लाखों ईसाइयों से भी किया है। पूरे विश्व में पोप को चुनने वाले कैथोलिक समुदाय के 294 कार्डिनल है, भारत में 4 हैं। उन चारों से भी मेरा मिलना है। दे आर कैथोलिक ईसाइयत में वो हाईएस्ट पीक है भारत। उसके बाद एक ही पीठ बच जाती है अपनी, पोप की। प्रोटेस्टेंट और उस वैरायटी में कोई पीठ नहीं, वहां विश्व ही फाइनल है, उससे आगे कार्डिनल रहता है। तो इसलिए मैंने उनसे भी किया, मैंने बौद्धों से भी किया। 2016 में तो उसी सुरेश भारती में 24 से अधिक बौद्ध देशों के बौद्ध रिलीजियस पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल लीडर्स ने मिलकर मुझे वर्ल्ड पीस लीडर अवार्ड दिया था। तो मैंने उनको कहा तो गलती मत करो, मैं शंकराचार्य का फॉलोवर हूँ, संघ में जाता रहता हूँ, तो मैं बाद में पछतावा कि इस गलत आदमी को चुन लिया। उनका नहीं, वी फॉलोड यू फॉर द 5 years। तो मैं लगा ठीक आदमी को दे रहे हैं, मैं कहा फिर भी अगर लगे कुछ को तो वापस ले लो। पहले कहते हैं कि आदमी जाना जाता था चरित्र से, आजकल आभूषणों से जाना जाता है। हम मालूम नहीं ठीक है कि गलत है, परंतु अपने यहाँ तो एक ही डेफिनेशन है आदमी, इज नोन बाय हिज कैरेक्टर एंड इज बाय प्रैक्टिस। वो अपनी प्रैक्टिस से और चरित्र से जाना जाता है, उपदेश से आदमी नहीं जाना जाता और सजावट बनावट से बिल्कुल नहीं जाना जाता। बरसात भोगवाद का जमाना है पश्चिम का, जब सजावट बनावट से जाना जाता। तो यह पुस्तक मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी, पर कुछ अंश इसके बीच बीच में से पढ़े। एक बात के लिए तो हम बधाई दे सकते हैं बिटिया रानी को कि उसने 30 उम्र के अनुसार अपनी क्षमता से आगे बढ़कर अध्ययन किया है। और दूसरा, हम इस बात के लिए भी उसको बधाई दे सकते हैं कि उसने अध्ययन को सशक्त रूप में किया है। ऐसा नहीं है कि चलता फिरता अध्ययन किया, यानी उसने जो भी चैप्टर लिखा, एक एक दो दो पेज के चैप्टर है, छोटे पढ़ने में सरल होते हैं, उतना पढ़ लेना भी संभव हो जाता है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि अध्ययन की गहराई में और उसकी शक्ति में हो गई है। ऐसे ही राह चलता तर्क कोई नहीं और शब्द कोई नहीं है, यानी नथिंग इज, जैसे वो कहते हैं ना रोटी वोटी, तो वोटी नहीं है इसमें, रोटी है नहीं रोटी है। और जैसे कह दिया करते हैं ना कि मैंने किसी को कहा कि दो तीन लोगों को बुला लेना, मैं भी कोशिश करता हूँ एक आधा आ जाए। मैंने कहा एक आधे तो कोशिश कर रहे, आधा कैसे बता रही है बता आधा लाओगे तो जिसका बिछाएगा, कुछ और ही करोगे तभी जाएगा, या तलाक करा के लाओ। तो इसलिए, परंतु चलता है इसलिए चलता है, इसमें कोई होती नहीं। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि उसने विषय पर अपनी पकड़ बनाई है, इसलिए कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है, सब सार्थक हैं। ये ठीक है कि जरा विद्वत्ता की भाषा में है, परंतु इतनी विद्वत्ता की भाषा में भी नहीं है कि समझ ना सके। मेरे जैसे को समझ में आ गए तो बाकी को समझ नहीं सके। तो इसलिए समझने में सरल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं किसी परिवार में बहन को माँ को दूंगा, मान लो बहुत स्कूल कॉलेज नहीं भी गई है, तो भी कोई पढ़कर सुनाएगा, वो इससे आगे भी चार बातें समझ। इसलिए समझने में सरल है, पर उसकी जड़ मजबूत है बात, यानी हल्की नहीं है कि उखड़ जाएगी। तो आज हमने इस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि बेटिया अपने विद्वत्ता में, ध्यान में, अपनी समझ में, अपने ज्योतिष में दिख दूर की रात चौकनी तरक्की करे और आगे बढ़े। हम सब उसके लिए शुभकामना भी करते हैं, और आप में से अधिक
चाहते हैं भाई, और जो फ्रेंडली हैं तो वो शुभकामनाएं कर देंगे, जो बड़े हैं वो आशीर्वाद दे देंगे, और आशीर्वाद देने में और शुभकामना करने में कंजूस नहीं होना साहब, कंजूस आदमी बहुत नहीं होगा, दिल खोल कर देना ताकि वह अपने जीवन के अंदर इस क्षण को, शायद उसकी पहली पुस्तक होगी और शायद पहला इस तरह का लोकार्पण होगा। तो हम साइंस पढ़ते थे तो अंग्रेजी में कहावत है, लेकिन में भी और विज्ञान की बड़ी मजबूत कहावत है, स्टार्टिंग टॉर्क डिसाइड द वेलोसिटी डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। उसकी जो प्रारंभिक ऊर्जा और शक्ति होती है वो निर्णय कर देती है किस दिशा में किस गति के साथ ये अपनी मंजिल की ओर जाएगी, भटकेगी नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भटकेगी नहीं, गति से ठीक दिशा में और अपनी मंजिल की तरफ निरंतर बढ़ेगी, ऐसा भरोसा उस किताब में से बनता है। मैंने जो ढूंढने की कोशिश की थी वो आपको बता दी, और इसलिए भारत में जन्मे मत पंथों में आध्यात्मिकता थी है और रहेगी। इसलिए जब सत्य सनातन प्रवाह के रूप में चला युगों युगों में, तो उसके सब मंत्र ओम पर है। ओम सहना भक्तु है, ओम नमः शिवाय है, ओम वैष्णवे नमः है, सब मंत्र ओम पर, ओम के साथ। यानी उसने ब्रह्मांड को और सत्य को और शक्ति को कभी छोड़ा नहीं, हर मंत्र में उसका वास है। भारत में जो मतपंथ जन्मे इस पिछले 3,000 साल में, तो बौद्ध मत है इसलिए ओम माने पद्म ओम है, या ओम तारे तू सोहा यानी स्वाहा, यानी तारायणी शक्ति रूप में जो सबकी रक्षक है और तू ही है सर्वशक्तिमान, उसके जितने मंत्र जाएंगे संस्कृत में वो सब बौद्ध मत के ओम से ही। पाली प्राकृत में थोड़ा सा अंतर किया है, ऐसे ही आप जैन मंत्र जाएंगे ओम नमो अयंकामम है, ओम नमो सिद्धानम है, सब मूल मंत्र ओम पर। आप सिख मंत्र में जाएंगे तो उनका भी मूल मंत्र ओम से, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु। इसलिए आप जितने भी जाएंगे सब ओम के इधर और उधर, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे, उसी के बंधे हुए रूप में। अब आप इस्लाम में जाइए, यहां जहां से जाने के बाद आप दिसंबरी खोलकर देख लेना, इसको अल्लाह कहा गया अरबी में, यह मूल संस्कृत शब्द। अब विद्वान इसलिए, और कुरान शरीफ बोलता है जन्नत कहाँ है, तो माँ इस्लाम बोलता है सुन्नत हदीस और कुरान शरीफ के रूप में माँ के कदमों में जन्नत है। अम्मी जान मदर वदर नहीं कहा, माँ ही शब्द है संस्कृत, माँ के कदमों में जन्नत। अब वो तलाक जैसा दाना कहाँ पाल लिया इस्लाम के पुरुषों ने, ये मुझे मालूम है, जिन्होंने तलाक दिया, तलाक का सोचा, तलाक किया, वो सब पक्के गारंटी है कि जन्म में मिलेगी। और मैंने तो 3 तलाक की लड़ाई को भारत में लड़ा है, सारी दुनिया जानती है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने कानून बनाया, लोग मुझे कहते थे उनके बजट का मामला आपका ही झंझट पड़े, मैंने कहा ये हिंदुस्तानी नहीं होते और माँ के कदमों में जन्नत नहीं होती, तो मैं मान लेता है जुलम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, परंतु नहीं चले। और इसलिए ये तो उसका उनका अरबी का एक अंक शब्द है 786। स्वामी रामतीर्थ और मौलाना का लखनऊ में एक बहुत बड़ा सम्मान है। आप कभी ये जो
उनका राम तीर्थ जी का बाढ़ नदी की तरफ बहुत बड़ा स्थान संस्थान है, वो सब आपकी कॉपी में मिल जाएगी प्रिंटेड। जब आप 786 को शुद्ध अरबी यानी संस्कृत केंद्रित अरबी, शुद्ध अरबी का अर्थ है संस्कृत केंद्रित अरबी, संस्कृत केंद्रित अरबी जो नहीं है वो शुद्ध अरबी नहीं है, वो मिक्स हो, उसमें आप उच्चारण करेंगे तो उसकी सब ध्वनियां आ ओ और मा है। और उसमें जब उन्होंने अरबी में स्वामी राम तीर्थ ने मौलवियों को कहा 36-37 के कि अच्छा मैं अरबी में शुद्ध अरबी में 786 का उच्चारण करता हूँ, तो उन्होंने उच्चारण किया एक बार दो बार तीन बार उच्चारण करने के बाद उन्होंने पूछा कैसा लगा, ये तो हम जो करते हैं मस्जिद में वही। उनका नहीं आप थोड़ा हल्के में करते हैं, अब मेरे साथ जब करने लगे तो 7 बार करते करते कुछ को ध्यान लग गया, क्योंकि अगर आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो आपको ध्यान लग जाएगा, आप राजनीतिक मजबी उच्चारण करोगे तो लगता हुआ ध्यान भी उड़ जाएगा। और इसका एक सरल उत्तर है जो ओम को स्थापित करता है, और मैं समापन की तरफ बढ़ता हूं। जब ईश्वर को पुकारने का समय आया तो जितनी भाषाएं थी और डायलेक्ट थे लोगों ने अपनी अपनी भाषा और डायलेक्ट में पुकारा, इंग्लिश थे, फ्रेंच थे, लेकिन जब उन्होंने गॉड कहा, तुर्की ने तारक कहा, अरबी ने संस्कृत में अल्लाह कहा, फारसी उर्दू ने उसको खुदा रब कहा, पंजाबी गुरमुखी ने उसको रब और वाहेगुरु कहा, किसी ने उसको ईश्वर परमेश्वर परमात्मा कहा, तो कन्नड़ होगा, कश्मीरी होगा, गुजराती होगा, असमिया होगा, मणिपुरी होगा, कहीं तेलुगु तमिल होगा, उन्होंने कहा पंजाबी हिंदी होगी। लोगों को एक गलत फहमी होगी, यह मजहब के नाम है, ये का मजहब से कोई लेना देना नहीं, नाम ये भाषा में नाम है, ये भाषाई शब्द है, मजहबी शब्द नहीं है, कोई भी दुनिया का शब्द मजहबी शब्द नहीं है, दुनिया के सब शब्द भाषाई शब्द। अब ईश्वर को लगा ये इंसान जो है बड़ा झगड़ालू है, प्यार भी करता है कभी कभी झगड़ता है, तो झगड़ा करते करते खून खराबे पर आया, उन्हें कहा कि सॉल्यूशन भेज दीजिए, तो ईश्वर ने सॉल्यूशन भेजा, उनका देख भाई तू जिस चाहे शब्द में बुला मुझे और याद कर, पर मेरा एक खूबसूरत नाम है दुनिया के अंदर जिसका दुनिया की किसी भाषा में अनुवाद नहीं, किसी मजहब में उसका पर्याय नहीं, और वो क्या है, मैं हूं ऊपर वाला। आप दुनिया में किसी फ्रेंच में, इंग्लिश में, जापानी में, चीनी में उसका अनुवाद करके दिखाइए, ऊपर वाला ऊपर वाला। और दुनिया के हर मजहब का आदमी, हर सभ्यता का आदमी ऊपर वाला मानकर ही उसे मांगता है, हम सब को भेज दिया, मेरी और आपकी अग्नि में नहीं आया, क्योंकि मेरी और आपकी इच्छा थी लड़ना थे, जब लड़ने की इच्छा थी तो अकल को और समझ को एक तरफ रखना पड़ा, उसको शैतान के पास भेजना पड़ता ताकि हम लड़ सके, तो मेल बिठाने के लिए तो रास्ता दे दिया उसने, परंतु समझा भी दिया, पता भी लग गया, सामने भी था, पर इच्छा थी लड़ने की, इसलिए सत्य को ओम को एक तरफ किया और इस पर लड़ने लगे जो असत्य था। भाइयों बहनों, भारत में वो क्षमता थी, है और रहेगी कि जब भी विश्व शांति, सद्भाव, शिक्षा, विकास, भाईचारे और प्रेम के रास्ते पर आएगा तो उसका हर स्रोत और उसका हर मार्ग भारत से ही होकर दुनिया में। लाखों वर्ष पहले ये सिद्ध हुआ, सौभाग्य से आज भी यही सिद्ध होगा।
दुनिया के जितने मेडिकल साइंस के दिग्गज थे उन बेचारों को वैक्सीन आज तक नहीं मिली, और जिस भारत को माना गया था बड़ा पिछड़ा गरीब ऐसे फालतू का देश है, आपको भी तो मुझे भी कभी कभी लगने रहता है कहाँ पैदा कर दिया अमेरिका मुल्क का पैदा कर दिया तो अच्छा था, भगवान का धन्यवाद दो भोगवाद में नहीं पैदा किया, दानववाद में पैदा नहीं किया, पत्रतावाद में नहीं पैदा किया, जहाँ शुद्ध मानव था द मोस्ट फॉर्चुनेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, कि हम उस भूमि पर आए हैं जहां गॉड ने अल्लाह ने खुदा ने ईश्वर ने परमेश्वर ने वाहेगुरु ने साक्षात राम और कृष्ण रूप में जन्म मिला। राम और कृष्ण चाहते थे इंग्लैंड इंग्लैंड अमेरिका मूल का जन्म ले सकते थे, उनको क्या प्रॉब्लम थी, और क्यों नहीं लिया सर, सोचोगे तो उत्तर मिल जाए, नहीं सोचोगे तो भटकते तो है ही है भटक लेंगे। तो इसलिए ओम यह ब्रह्मांड का रचना, इसलिए ये सदा है और सदा रहेगा, मानने वाला माने ना मानने वाला ना माने उसके अस्तित्व को कोई अंतर नहीं करना, आप नहीं मानते ना मानिए, आप मानते हैं मानिए, अब कहते मैं नहीं मानूंगा तो क्या करना। तो हमारे हरियाणा पंजाब में पश्चिम उत्तर प्रदेश ऐसे इलाकों में एक कहावत चलती है, एक आदमी घर से निकला क्या पूरा रास्ते में कुछ विद्वान और समझदार लोग मिले, उसने कहा पंडित जी विद्वान जी बताओ सेठ जी ये इसको चारपाई क्यों कहते हैं, उसने कहा भाई चार पांव होते हैं इसलिए चारपाई कहते हैं, बात कुछ जमी से मजा नहीं आया, तो सामने थी मैं देख के एक दो तीन चार मैं गिनती यहाँ से शुरू की यहाँ खत्म कर दी, कोई हैरान भी तो लगती, फिर कहा देख तेरी तरफ दो मेरी तरफ दो दो जमा दो दो भी समझ में आए ये दो मेरी ये जमा क्या होता है, एक नहीं मानने को मिला कर जब आठ दस तर्क देने पर कुछ नहीं माना गया था तो क्यों नहीं मानता, मैं घर से फैसला करके चला था किसी की मान नहीं क्या करें, इसलिए अखिलेश कहता है मैं नहीं लोगों को वैक्सीन, उससे मैंने पूछा उनके एक दोस्त थे मैंने कहा, उसने एक बड़ी जोरदार स्टेटमेंट दिया, जब हमारा राज आएगा तो मुफ्त डांटेंगे, इसका राज आने तक वो चाहता है कि सारे सब मरो क्योंकि वो आए नहीं। अब अगर नेता ऐसा होगा तो भारत के लोकतंत्र का हाल क्या होगा। दूसरे ने कहा सर नेता पहले लगाओ, मैंने कहा बड़ा अजीब है घर में बच्चा बीमार हो गया डॉक्टर बुलाया, तो ये नेता जी अगर वहां होंगे अब वो राशि दल भी है कि मनीष है जो भी है नहीं नहीं तो वो तो वहां खड़े हो गए देख इस मरीज से पहले बाप को लगा माँ को दवाई का था अगर ये ठीक चलती भी है कि नहीं चलती है, ये बिना दवाई के मरेगा वो फालतू की दवाई खा के मरेगा, दुनिया के दस्तूर ऐसे थोड़ी चलते। नेताजी तू पहले लगवा, उन्होंने कहा भाई जो मौत में जा रहे हैं मौत से लड़ रहे हैं पहले उनको लगवा तू लगवा, तो मैं उस सबसे चार्जी और नेताओं से सवाल करता हूँ लोकतंत्र के रास्ते पर कि घर में बच्चा बीमार है डॉक्टर उसको दवाई देगा कि पहले माँ बाप को दवाई देकर टेस्टिंग करेगा कि ठीक भी है कि नहीं। इसलिए उनको लगता है कि उन्होंने 50-60 साल 70 साल दुनिया ने उनको बेवकूफ बनाया, उन्होंने भारत को बेवकूफ बनाया, इसलिए बेवकूफ बनाने का एक अल्ट्रा मॉडर्न फैशन चला है। इन सब चीजों से कौन रक्षा करेगा, इन सब चीजों में हमें सत्य का ज्ञान कौन कराएगा। तो निर्मल बुद्धि विवेकशील बुद्धि और मन पवित्र और अहंकार से और किसी भी द्वेष से और किसी भी हिंसा से मुक्त, इन सब को ऐसा बनाने की क्षमता
श्रीमान बुद्धि की इस क्षमता को विकसित कोई एक शब्द कर सकता है, एक नाम कर सकता है, वो ओम था, ओम है और ओम ही रहेगा। अब कितना जानता है साहब, तीन चार पांच बार अपना ओम बोल लिया, उतने देर तक दूध वाले भी आकर नहीं कहेगी मैडम दूध ले लेंगे, अच्छा अच्छा दूध लेते हूँ, अच्छा दूध यहाँ रख दे, ये धंधा नहीं करता। सब मिलाकर सात बार ओम का उच्चारण करने के लिए अगर लंबी सांस से किया भी आपने और लंबी सांस में छोड़ा भी, तो मान लो आपके दम में डेढ़ दो मिनट का हो, साढ़े पांच सात मिनट लग जाए। अगर आधे मिनट का दम हो तो समझ लेना कि आप ठीक ढंग के पुरुषार्थी मनुष्य, महिला के रूप में और पुरुष के रूप में, तो तीन चार पांच मिनट है, इतना कंसंट्रेशन करिए तो कहीं ना कहीं मिलेंगे और कभी ना कभी मिलेंगे, ये भी तो पक्का है। और किस लिए पक्का करना है, कहते हैं थोड़ा जन और जमीन आनी चाहिए सर, तो मैं आजकल एक जय घोष लगवाता हूं, पांच ही शब्द है बड़े छोटे से, पहले दो मैं बोलूंगा मृत्यु हो, आप कहेंगे कैसा आदमी आया मृत्यु हो, लोग कहते हैं जीवन मिलेगा क्या, अगले तीन आपने बोलना अखंड भारत में, क्यों सदा मंजूर है ना, दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके बोलेंगे मृत्यु हो अखंड भारत में, मृत्यु हो अखंड भारत में, मृत्यु हो अखंड भारत में, आपने मुक्ति के लिए लंबी उम्र मांग ली। देख भाई मृत्यु देते हैं तो भारत अखंड करते, पर अगर भारत अखंड करने में देर लगानी है तो जिंदगी लंबी करनी, हमने तो बेटी को तो मानिए बेटे भाई लाहौर अपना था, क्यों ना लिखा परमानेंट नहीं होगा, किसी ने नहीं लिखा क्या, मानसरोवर हमारा था तो नहीं हमारा नहीं थे, ना उनके बाप का ना उनके बाप दादा का, हमारे बाप दादाओं के ये है और हमारे बाप दादाओं का ये सब है, तो हमने हमारा होना इसको ना कहना ये अपराध, ये अत्याचार, ये पाप, ये अधर्म, हम क्यों करें। मैं जब जम्मू कश्मीर में था लोग मुझे कहा करते थे आपकी नागरिकता ले ली, मैं कैसे नहीं लिखा, हम हिंदुस्तान भर के नागरिक हैं, ये 370-35 आएंगे और इससे पे अपने ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी, अंग्रेजी होगा, मैंने कहा एक गारंटी है कि हमारे जीवन में ये पक्का होगा। अब हो गया तो एक गारंटी है ओम से विश्व के कल्याण का मार्ग निकलेगा, ये हम अपनी जिंदगी में देखेंगे, ये पक्का है। इन्हीं शब्दों के साथ बिटिया रानी के लिए जरा नार उठने वाली थोड़ा देख लीजिए, 10-15 सेकंड तालियां भी रुक जाए। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सेल्समैन,
और होगा भी तो आपको क्या करा दे और फालतू भी दे दे खराब चीज दे दे आप इधर उधर की फालतू वालतू ले लेते हैं तो ये तो कीमती चीज है जो सस्ते में इसलिए ये बहुमूल्य नहीं है अमूल्य है बहुमूल्य का मतलब है इसकी कीमत थोड़ा ज्यादा बहुत अधिक उसको कहते हैं ये बहुमूल्य और जिसकी कीमत ही पूरी नहीं है उसको कहते हैं ये अमूल्य है और इसलिए भारत जीता है अमूल से ऐसी बात है तो आज आप अमूल्य चीज लेकर जाइए भारत जीता है अमूल्य से तो वो खाने के लिए ये मन और बुद्धि के लिए और मन बुद्धि ठीक रही तो शरीर को रोग नहीं रोगग्रस्त नहीं कर सकते एक छोटा सा निमंत्रण लेकर बात समाप्त करूंगा हमने 25-30 साल पहले एक सपना लेना शुरू किया था कि भारत के जन जन को एक पैट्रियोटिक टूरिज्म की जरूरत है उसके पास दो टूरिज्म तो एक प्राकृतिक टूरिज्म है नेचर का और एक है तीर्थों पर टूरिज्म परंतु उसके पास पैट्रियोटिक टूरिज्म हो ताकि धरती माता को भारत माता को भी वो इस चीज में माने कि इसके लिए जीना इसके लिए करना इसके लिए मरना यानी स्वर्ग का रास्ता था है और रहेगा ये एक सत्य है तो हमने कुछ तीर्थ यात्राओं को जन्म दिया 1997 में सिंधु को लेकर हमने तीर्थ यात्रा को जन्म दिया क्योंकि सिंधु से विश्व की प्राचीनतम उच्चतम सभ्यता का दर्शन होता है यानी वो भारत चाहे काबुल कंधार तक हो चाहे रंगून तक हो ये होता है और उसका उद्गम मानसरोवर पर चीन का कब्जा है 2100 किलोमीटर आगे पाकिस्तान के पास चले गए विभाजन 200-225 किलोमीटर अपने और 1997 में पहला सिंधु उत्सव किया था राष्ट्र के प्रति भक्ति आए ईश्वर के प्रति अटूट निष्ठा समर्पण आए और आनंद ही आनंद भी ने प्रकृति इसलिए देशभक्ति ईश्वर समर्पण और मस्ती यानी आनंद इन तीनों का भरपूर इस 2021 जून में उसका 25वां उत्सव है उसको सिंधु उत्सव के रूप में ना मनाकर सिंधु महाकुंभ के रूप में मनाते भारत के धार्मिक इतिहास के अंदर सिंधु की तीर्थ यात्रा और सिंधु कुंभ नाम से कोई परंपरा नहीं ये नई गंदी परंपरा ऐसे समय समय पर जन्मती तो उसका एक कैलेंडर और उसका एक किताब आपको मिले ज्यादा नहीं है 2021 का उसमें सारी सूचनाएं और पत्रक है भूपेंद्र जी है यहाँ तो उसमें उनके नाम पते भी दिए हैं जिनको संपर्क करना है 19 जून से 27 जून दो समूहों में पूरा हिंदुस्तान और दुनिया आएगी 19 से 23 ये पहला समूह दूसरा 23 से 27 सड़क मार्ग से और हवाई मार्ग दो उसमें वो सारा वर्णन दिया फोन दिया सब जिन दिन की इच्छा कर जाए उन्होंने आना चाहिए हवाई मार्ग से 5 दिन का बनता है सीधा उठकर जाना सीधा उठकर आ जाना सड़क मार्ग से 11-12 दिन का बनता है और चंडीगढ़ कुल्लू मनाली कैलोंग सरचू आदि टनल जो अटल टनल बनी है सबको देखते हुए ले पहुंचना और वापिस जाते समय में कारगिल लामा यूरोप कारगिल और फिर कश्मीर देखना और फिर जम्मू किसी के माता वैष्णो के दर्शन की इच्छा करते हैं खीर भिवानी के रास्ते में करते आना और वापस जम्मू आके दिल्ली जाना सड़क मार्ग से ये भी है बाकी अपने घर से ट्रेन से चंडीगढ़ इधर आना फिर वहां से भी गाड़ियां लेकर जा सकते हैं बसों की व्यवस्था रखी उससे सब खर्चे वर्चे भी उन्होंने दिए हुए हैं तो आप सबको निमंत्रण है
1923 में या 23 से 27 में आप आइए, मैं दोनों यात्राओं के समय में वहीं रहने वाला। कठिन तो है क्योंकि थोड़ा डेजर्ट है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, परंतु लाखों लोग रहते हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। गुस्सा करने वाले को थोड़ा जल्दी तकलीफ होती है और मुस्कुराने वाले को तकलीफ थोड़ी दूर रहती है। खाने में पानी का इंटेक करते रहो तो ऑक्सीजन मिलती रहती है, पानी का इंटेक घटाया तो जरा तकलीफ होती है, इससे ज्यादा कोई और समस्या नहीं। तो जिंदगी में एक बार करने वाली यात्रा तो पक्की है, बाकी किसी को बार बार करने के लिए मिले तो कोई हद खराब नहीं। तो इसलिए आप सबको उसका निमंत्रण है, उसका पत्र, एक कैलेंडर पूरा 2021 का और उसकी सिंधु उत्सव की किताब गाथा लिखने ली, ये आप सबको मिल जाएगी। तो आप सबको उसका निमंत्रण है। अब हम सब पूरी ताकत के साथ आज के इस उत्तम कार्यक्रम और इसकी झलकियों के लिए अपने आप को भी आप बधाई दीजिए, मीडिया को भी आशीर्वाद दीजिए और इसको भी एक उत्सव के रूप में आनंद से मुस्कुराकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। यही ओम था, है और रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।